केकेआर की बिखरती पारी को रसल ने लगाया किनारा। दिल्ली खिलाफ मुकाबले में जब पहली पारी में केकेआर की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो लगातार विकेट्स गिर रहे थे। एक तरफ जेसन रॉय खड़े हुए थे लेकिन दूसरे एंड पर लगातार विकेट्स गिर रहे थे और जब रसल बल्लेबाजी करने आए तब लग रहा था कि भाई इस बार रसल का पावर देखने को मिलेगा, लेकिन भाई दिल्ली के गेंदबाजों ने काफी कसकर पकड़ रखा था उनको। लेकिन आखिरी ओवर में रसल ने बाहें खोली और मुकेश कुमार के एक ओवर में 3 छक्के जड़ दिए और नतीजा क्या हुआ कि केकेआर ने लड़खड़ाते 127 रन बोर्ड पर लगा ही दी। आंध्र रसल जिनका आईपीएल 2023 कुछ खास नहीं घटा है, लगातार प्रदर्शन के घेरे पे लगे हुए हैं और कभी भी इनका प्रदर्शन नहीं निकल के आ रहा है। लगातार फ्लॉप चलते आ रहे थे, पिछले मुकाबले में भी जल्दी आउट हो गए थे और राशिद खान ने हैट्रिक ली थी उसके अंदर भी आउट हो गए थे। 2 मुकाबले में लगातार 0 पे आउट हुए थे और इस मुकाबले में भी मुकेश कुमार और एंड्रिक नॉर्किया ने इनको हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया था। कुलदीप यादव ने इनको पकड़ रखा था लेकिन आखिरी ओवर में रसल ने अपनी एबिलिटीज को बैक किया, बल्ला बदला और बल्ला बदलते के साथ ही मुकेश कुमार को आड़े हाथों लिया। केकेआर अपने एक्सपीरियंस के साथ आई थी बैटिंग लाइनअप करने के लिए और आंध्र रसल उस बैटिंग लाइनअप के किंग थे। जाते जाते रसल ने अपना टच दिया और उसमें से 4 जो 3 छक्के आखिरी ओवर में लगाए थे उसके अंदर एक छक्का 109 मीटर का था। लग रहा था भाई दिल्ली से कहीं दूर कहीं ITO वगैरह पहुंच जाएगी ये गेंद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाई जाते जाते रसल ने अपना काम कर दिया, 127 रन बोर्ड पे यहाँ पर केकेआर के लिए लगा दिए। दिल्ली के सारे गेंदबाजों ने ठीक ठाक बॉलिंग करी लेकिन मुकेश कुमार का इनएक्सपीरियंस रसल के सामने हुआ एक्सपोज और आखिरी ओवर में रसल ने जड़ दिए 3 छक्के। बहुत शानदार रही रसल की बैटिंग आखिरी ओवर के लिए, उससे पहले तो स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन अभी भी किंग रसल यहाँ पर वापसी नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी जो उनका फॉर्म है वो खराब चल रहा है, अभी भी जो हम रसल को जानते हैं उस अंदाज में आंध्र रसल बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आए। अगर मैं बात करूं दिल्ली की बॉलिंग की तो उसके अंदर ईशांत शर्मा ने 4 ओवर में 19 रन दिए, मुकेश कुमार ने 4 ओवर में 34 रन दिए, 1 विकेट झटका, लेकिन उसके अंदर आखिरी ओवर में काफ़ी ज़्यादा महंगे साबित हुए थे मुकेश कुमार। आपको क्या लगता है कि आने वाले मुकाबलों में रसल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और रसल का इंपैक्ट कितना बड़ा होने वाला है कि केकेआर के लिए आने वाले मैचेस में? आपको जो कुछ भी लगता हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।